हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी है। एजेंसीज कैसे काम करती हैं, एफबीआई को इसके अंदर दिखाया गया है, पुलिस इंटेलिजेंस कैसे काम करती है और बहुत ही करप्ट पुलिस वाले माफियाज के साथ किस तरह मिल जाते हैं और किस तरह उन गलत लोगों को जो खुद ही बचाते हैं, इस मूवी के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया गया है, दिखाया गया है और बहुत ही इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की एक्टिंग और सब कुछ ही बहुत अच्छा है। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाएंगे और मिस नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस मूवी का, उस मूवी का नाम है स्पेंसर कॉन्फिडेंटियल। स्पेंसर कॉन्फिडेंटियल को 2020 के अंदर रिलीज किया गया था। और अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग की, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.2, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है इस मूवी के लिए। ये एक एक्शन कॉमेडी एंड क्राइम मूवी, और साथ में बता दूं क्राइम भी है और कॉमेडी भी है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें आपको। इसकी कुछ स्टोरी बेस में आपको थोड़ी सी समझा दूं कि वो स्टोरी बेस इस तरह से है, एक पुलिस वाला जो कि बुरे लोगों को पकड़ता हुआ उसके अपने लोग ही उसे फंसा देते हैं, और उस पुलिस वाले का नाम होता है स्पेंसर, उसी के नाम पे ये मूवी बनाई गई है। उसे जेल हो जाती है और उसके बाद वो 5 साल के बाद जब रिहा होता है तो वो बिल्कुल ही दूर अलग थलग दुनिया में रहना चाहता है, मगर फिर वो कुछ न्यूज देखते हैं जिसके अंदर कुछ गलत लोग बहुत ही आजादी से बेगुनाह लोगों को मार रहे होते हैं, तो उससे वो ये बर्दाश्त नहीं होता। बेगुनाह लोगों को मार रहे होते हैं तो स्पेंसर से ये बर्दाश्त नहीं होता, तो वो ठान लेता है कि मैं इन सबसे बदला लेकर रहूंगा। और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है, और जब धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इसमें कौन कौन मुलव्वज हैं, तो उसके अपने ही सिक्योरिटी वाले, उसकी अपनी ही एजेंसीज के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, जहां तक कि एफबीआई के लोग भी क्रिमिनल माफिया के साथ मिले हुए होते हैं। तो वो इन सबको कैसे पकड़ता है, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ सब कुछ दिखाया गया है। आप इसे देखना जरूर पसंद करेंगे। इसको देखने से आपके इल्म में भी इजाफा होता है कि किस तरह से ये लोग और ये एजेंसी किस तरह से काम करती हैं। तो आप इस मूवी को जरूर देखना चाहेंगे और जरूर देखिएगा, क्योंकि ये उर्दू हिंदी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, आप इंटरनेट से बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको ना मिले तो हमें करें कॉमेंट, हम आपको जरूर बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।